जो मेरे दिल में होता है वही मेरे मुंह पे होता है. मैं और मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं. मुझे हर पार्टी से मुझे ऑफ़र आए हैं. अगर आप कोई मीडिया के वो सदस्य हैं जिन्होंने मुझको बैन किया, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए मुझको बैन करने के लिए. लेटिए एंड जहाँ तक ये कुछ विशेष मीडिया का वर्ग है ये जो मेरे खिलाफ़ है, और आई थिंक क्योंकि मैंने कुछ इंडस्ट्री के कुछ पावरफुल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और ये उनके साथ में, क्योंकि जैसे फैमिली जो इटालियन माफिया चलाता था वैसे ही कुछ फैमिलीज़ हैं जो मूवी माफिया चलाता है. जिन लोगों ने ये गिल्ड बनाया है, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट्स को देखें तो वो किसकी चाटुकारिता कर रहे हैं और किसको, मुझे तो वो हमेशा से ही ऐसा दिखाते हैं जैसे ज़ॉम्बी पोर्ट्रे करते हैं. ये मेरी लड़ाई मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं है या जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ नहीं है. इसमें मैं डेफिनेटली कहूँगी कि मुझे ये बात को बिल्कुल नकारा जा रहा है कि मैंने खुद ये कहा हुआ है कि मेरे इतने अच्छे मित्र, इतने अच्छे लोग जर्नलिज्म में हैं, और ना कि सिर्फ मेरे मित्र हैं जबकि जिन्होंने मुझे प्रेरणा भी दी है. जो लोग मतलब इस देश के होकर विदेशी सोच रखते हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में भी पाए जाते हैं. इसी तरह के लोगों ने कल जब मैं एक हिंदी भाषी थी तो मुझे मेरी हिंदी भाषा के लिए अपमानित किया था, मेरे छोटे गांव से आने के लिए अपमानित किया था. उसी तरह के एक जर्नलिस्ट वर्ग है, जो मैं इंग्लिश नहीं बोलती थी तो मुझे अपमानित करते थे. और मैंने चार लोग भी कहा था कि ये जो सिर्फ चार लोग हैं जो मुझे डराना धमकाना चाहते हैं, तो आए पता नहीं सब लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मीडिया के खिलाफ हूँ. अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरी बहन को देख के लोग इतना स्कैंडलाइज में मम्मा की बात सुने तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाए. तो जिस तरह से एक मेरी फैमिली मुझे डिफेंड करेगी, जिस तरह से जो लोग मुझे तंग कर रहे हैं या जो लोग मेरे खिलाफ़ है, जिस तरह से वो लोग मेरा वक्त देखते हैं या ये देखते हैं कि एक अकेली लड़की को कम से कम एक टाइम पे मेरे ऊपर कम से कम 5 से 6 केसेस फ्रॉम केतन मेहता टू ऋतिक रोशन, करण जौहर, उसके ऊपर से अपूर्व असरा न्यूज़ पे कूद पड़ा, फिर उसके ऊपर से जी फिर उसके ऊपर से मीडिया का जो भी हो, तो ये लोग मेरा जो संघर्ष है वो देखते हैं. तो आई थिंक इनको कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति मेरी जो फैमिली होती है. पर आपकी फैमिली तो आपके बारे में ऐसा ही चाहे, उनको तो यही लगता है कि हम अपने घर वालों के अपने बच्चों को डिफेंड करें. आप देखिए बॉलीवुड में जो लोग मेरा करियर अगर मुझे फिल्मों की ही पड़ी होती तो मैं खान्स के साथ फिल्में करती, बड़े बड़े जैसे करण जौहर की चाटुकारिता करती, जैसा कि वो चाहते हैं और सबको यही चाहिए. तो ये अगर फिल्में मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण होती तो फिर मैं फिल्मों की तरफ ध्यान देती. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को बेबाक मानते हैं या आप अपने आप को ये मानते हैं कि हाँ आप जो हैं जो आपकी जितनी भी जो आपकी सोच में सही या गलत है, मैं ये नहीं कह रही जो मैं मेरे लिए सही या गलत है वही सही या गलत है, मेरी सोच में अब तक की सोच में जो सही या गलत है अगर आप उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं तो फिर उसमें आपकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती. सनक तो है जो कि मेरे फिल्म का कैरेक्टर भी है सन की, तो मैं खुद को सन की समझती हूँ, कि कोई मेरी सोच को या मेरी जबान को या मेरे व्यक्तित्व को पूरी तरह से ओवरपावर कर ले, ये मैं कहीं सहन कर ही नहीं सकती. तो पॉलिटिक्स तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं. यस अगर मुझे मूवी माफिया जो कि इमीडिएटली रातों रात मेरा करियर बर्बाद कर सकते हैं, अगर मैं उनसे नहीं डरती उनसे भिड़ जाती हूँ, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपको मुझे देना पड़ेगा कि मोदी जी के लिए मैं वाकई में प्रभावित हूँ उनसे, उनकी पर्सनैलिटी से. क्योंकि अदरवाइज़ दिल्ली में पीएम कौन बैठा है, ये मेरी इमीडिएट लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता है. तो बिकॉज़ मैं उनको वाकई में मानती हूँ कि वो बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर हैं.